जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास टेंथ साइंस के आपके पूरी बुक से जो है आठ ऐसे महत्वपूर्ण आंकिक क्वेश्चनों की, यानी आठ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं उनके सोल्यूशन के साथ। तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आपके जितने भी चैप्टर यानी कि साइंस में आपके जितने भी चैप्टर हैं और जहां से आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जिन जिन चैप्टर से आपके अध्यायों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टरों को आज की इस वीडियो में जो है कवर करेंगे, यानी कि आपके सभी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां है, तो ये आपका अम्ल क्षार एवं लवण से। देखिए यहां पर भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर इनको जो है कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। और यार न्यूमेरिकल तो देखिए आपको करना पड़ेगा, अगर आप साइंस में देखिए अच्छे नंबर चाहते हैं तो आपको आंकिक प्रश्नों पर फोकस करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक बिलियन में, ठीक है, यहां पर बिलियन कह रहा है कि कोई बिलियन है जिसमें H प्लस आयन की मात्रा जो है वह कितनी है, 4.0×10⁻¹⁹ मोल प्रति लीटर, ठीक है, ये एच प्लस आयन की जो है मात्रा है, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया कि बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और बिलियन की प्रकृति क्या होगी, मतलब जब हम लोग जो है बिलियन का पीएच मान निकाल लेंगे तो बिलियन की प्रकृति मतलब हमें पता चल जाएगा कि बिलियन हमारा क्षारीय होगा या बिलियन हमारा अम्लीय होगा। तो इसी के आधार पर हम लोग इसका जो है पता लगाएंगे, मतलब कि आपका जो पैमाना होता है 1-14 तक, उसमें आपको अम्लीय क्षार और जो उदासीन है वह सब कुछ हम उसी में जानेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, पीएच मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे। और यहां पर देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अगर वहां पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको किसी जैसे लॉग 2 या लॉग 4 की वैल्यू की जरूरत होगी, तो वहां पर क्वेश्चन में आपको यहां पर इसी प्रकार से प्रश्न के नीचे दिया रहेगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कभी-कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में जो है जैसे आपका प्रश्न पत्र आता है उसमें आपके लास्ट के पेज में जो है ये वैल्यू दी रहती है जो भी आपके काम की होती है, तो इन पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले इसमें आपका देखिए दिया क्या गया है, तो इसमें आपको यह पहचानना होगा कि जो वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी यहां पर वैल्यू है वह कौन कौन सी दी गई है। तो सबसे पहले यहां पर एच प्लस जो आयन है, ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोनियम आयन का जो है इसकी सांद्रता आपकी दी गई है। तो यहां पर लिखेंगे जो आपका बिलियन है, ठीक है, ये बिलियन है, तो इसमें आपका क्या दिया गया है, एच प्लस आयन जो है, एच प्लस आयनों की सांद्रता, एच प्लस आयनों की सांद्रता, ठीक है, ये आपकी दी गई है। तो एच प्लस आयनों की सांद्रता कितनी है आपकी, 4.0×10⁻¹ मोल प्रति लीटर, ठीक है, तो ये आपकी दी गई, इसको आप कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एच प्लस आयनों की दी गई है सांद्रता। अब हमारा देखिए पीएच मान का फार्मूला होता है जो हमने पढ़ा था जब हमने अम्ल क्षार एवं लवण इस चैप्टर को पूरा जो है कंप्लीट किया। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप जो है साइंस की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिस पर हमने पूरे साइंस के जितने भी आपके चैप्टर हैं, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी चैप्टर हैं, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो आप लोग वीडियो को देखकर अपने साइंस को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर इसका जो फार्मूला होता है पीएच इक्वल, ये आपका कितना होता है, तो पीएच इक्वल आपका होता है यहां पर माइनस, देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है लॉग की वैल्यू इसीलिए दी गई क्योंकि यहां पर आपका ये जो है काम पड़ता है, तो माइनस लॉग और देखिए एच प्लस आयन है तो यहां पर आप लोग एच प्लस कर दीजिए, ठीक है, ये मतलब कि हाइड्रोनियम आयन के लिए एक प्रकार से फार्मूला होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर ये तो हमारा सूत्र हो गया, अब इस सूत्र में हम लोग यहां पर एच प्लस आयन जो इसकी सांद्रता है वह यहां पर रख देंगे। तो देखिए यहां पर चलिए रखते हैं पहले एक बार, यहां पर पी एच इक्वल है आपका माइनस लॉग और यहां पर ब्रैकेट है, तो इसके अंदर देखिए हमें यह वाली वैल्यू रख देनी है क्योंकि जो H प्लस आयन है इसकी सांद्रता हमारे सामने दी गई है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4.0×10⁻¹⁹, ठीक है, ये हमारा दिया गया है, तो इसको हम जब रख देंगे, अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आपका जो है ये इंटू में, मतलब कि यहां पर लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है प्लस हो जाता है, मतलब यहां पर देखिए अगर हम प्लस की वैल्यू जो है इंटू में लिख सकते हैं, मतलब कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप पढ़े होंगे, तो यहां पर आप लोग इसको जो है लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू माइनस आपका इसी प्रकार से रहेगा और यहां पर आप इस ब्रैकेट के अंदर जो है लिख सकते हैं लॉग 4, ठीक है, अब लॉग 4 आप यहां पर लिख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर लॉग 4 ही रहने दीजिए। उसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लॉग आप लिख देंगे 10⁻¹⁹
माइनस नाइन, ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस नाइन है, तो ये आपका इस प्रकार से एक बार बनेगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये लॉग फोर है इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं टू लॉग टू, क्या लिख सकते हैं टू लॉग टू। तो यहां पर आप जो है इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका लॉग फोर है, ठीक है, लॉग फोर है, तो इसको इसको आप लोग लिख सकते हैं टू लॉग टू, ये भी आपका प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहां पर लॉग एम के पावर एन से होता है, लॉग एम के पावर एन है, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं एन लॉग एम, ठीक है, ये एक प्रकार से ये भी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर आप लॉग फोर को लिखेंगे पीएच इक्वल टू, यहां पर लिख देंगे माइनस टू लॉग टू, और यहां पर क्या है आपका ये आपका प्लस है, तो इसका जो है आपका इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन यहां पर आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, जो आपका यहां पर देखिए ये माइनस है, यहां पर आपका माइनस की जो लगी है वैल्यू, तो यहां पर आप करेंगे क्या, जैसे आप इसको अंदर गुणा करवाते हैं, मतलब जो ये माइनस चिन्ह है इसको अगर आप लोग अंदर गुणा कराएंगे तो मतलब ये प्लस जो है ये आपका माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग कर सकते हैं कि यहां पर आपका जो है ये हो जाएगा लॉग, और यहां पर माइनस टेन के पावर माइनस कितना है नाइन है। अब देखिए यहां पर इस प्रकार से करवा दिए, तो ये आपका यहां पर जो है ब्रैकेट आपका हट सकता है, लेकिन आप जरूरत नहीं, मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो मतलब एक बार जब आप लोग करवाएंगे तो आप करवा दीजिएगा, बाकी अभी हमने जो ब्रैकेट लगाया तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। अब देखिए यहां पर हमने जो है देखा था कि जो log 2 की वैल्यू है हमारे सामने जो है इस प्रकार से दी गई है, तो अब क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू जो है वह दी गई है, तो आप लोग जो है इसको जो है डायरेक्टली यहां पर रख देंगे, और चाहे तो देखिए 2 गुणे log 2 है, तो मतलब log 2 की वैल्यू जो आपकी है इससे 2 का गुणा करा देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी तो जो है यहां पर पुट कर देंगे। तो मतलब यहां पर हमारा जो पीएच मान आएगा वो आपका इस प्रकार से, देखिए यहां पर आपका जो डायरेक्ट जब आप लोग इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो यहां पर 2 गुणे आपका ये पूरी वैल्यू, मतलब कि log 2 की वैल्यू, तो इसका जब आप लोग गुणा कराएंगे तो यहां पर कितना आएगा ये, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि माइनस शुरुआत में लगा 0.602, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से आएगा। अब यहां पर आपका ये जो है अभी जो है पहले प्लस लगा है, तो मतलब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग प्लस, यहां पर log 10 पावर माइनस 9 है, तो इसको आपको ये वैल्यू जब log 10 का बेस है तो यहां पर ये आपका 9 हो जाएगा। तो ऐसे में आपका पूरा वैल्यू देखिए यहां पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आपका पीएच का जो मान आएगा पूरा, तो ये आपका 8 कितना आएगा, 8.3, जब मतलब इससे जो आप लोग घटाएंगे 9 से इतने वैल्यू को, तो ये आपका आएगा 8.39, यानी कि पॉइंट में आपका इस प्रकार से वैल्यू निकल के आएगा। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पीएच मान आया वो कितना है, 8 से अधिक है, मतलब देखिए जो हमने पैमाना देखा था उसमें 1 से जो है 14 तक की गिनती, ठीक है, और इसमें हमने देखा कि जो 7 तक का होता है ये आपका 1 से 7 तक ही अम्लीय माना जाता है, और 7वें पॉइंट पर क्या होता है उदासीन होता है, और 7 से जो अधिक यानी कि 14 तक होता है वहां पर आपका ये क्षारीय होता है। तो अब आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका ये 7 से अधिक वैल्यू आ रही है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो विलयन की प्रकृति होगी वह कैसी होगी, तो क्षारीय होगी। तो मतलब यहां पर आप लोग इसी से जो है अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब वैल्यू को निकालकर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहां पर मतलब कि जो अम्ल क्षार लवण है इस चैप्टर से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 के पावर माइनस 2 एम का मतलब मोल प्रति लीटर, जो मैंने आपको बताया ही था, तो कह रहा है कि इसमें जो है आपका CaOH का होल्ड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम फिर यहां पर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, यहां पर आपको पहले सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका ये मतलब कि जो इक्वेशन है, ये आपका जो सूत्र दिया गया है, इसको आप लोग पहले एक समीकरण के रूप में लिखिए, यानी कि देखिए ये आपका क्या है, ये दिया गया है CaOH का होल ऑफ, मतलब कि इसको क्या करना है, आयनों में तोड़ देना, तो ये आपका अतिक्रमणीय अभिक्रिया से टूट जाएगा। कैसे, तो यहां पर आपका एक धनायन बनेगा और एक आपका जो है ऋणायन बनेगा, मतलब कि Ca2+ आपका ये बन गया कैल्शियम का, और इसी प्रकार से आपका 2 और यहां पर OH, यानी कि आपका हाइड्रोनियम आयन, ये एक प्रकार से हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बन गया। तो मतलब OH- में टूटा और एक आपका ये Ca में टूट गया, तो मतलब 2 आयनों में टूट गया, और ये क्या है, अतिक्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो आप पढ़े होंगे मतलब चैप्टर नंबर 1 में ही। तो अब देखिए यहां पर हमारा क्या दिया गया है, यहां पर इसमें ही जो आपका ये OH है, ठीक है, OH आयन की सांद्रता आपकी दी गई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यहां पर OH आयन है, ठीक है, OH ये नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, आपने पढ़ा है हाइड्रोनियम आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पीएच मान में जो है मतलब अम्ल क्षार एवं लवण में पढ़ा है। तो इसमें आप देखिए क्या करेंगे, यहां पर इसकी जो आपकी वैल्यू दी गई है ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव, और यहां पर कितना दिया गया है 10^-2 मोल प्रति लीटर, ये आपका कैपिटल होता है, ठीक है, ये आपका कैपिटल होता है, इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे,
यहां पर आप लोग देखिए इसको जो है, यहां पर सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि आपका सामने क्या लगा है, यहां पर 2 लगा है। अब इसमें जब यहां पर 2 लगा है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है इस वैल्यू को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए जो आपका OH है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, OH माइनस जो आयन है यहां पर, इसकी वैल्यू कितनी है 10^-2 है, लेकिन यहां पर 2 लगा है तो इसलिए हम यहां पर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आपका यह वैल्यू आएगा यानी कि 2 और OH माइनस, ठीक है, OH माइनस यह आपका हो जाएगा 2 × 10⁻²⁰ इस प्रकार से ये वैल्यू हो गई। अब इसमें हमें क्या निकालना है, पीएच मान निकालना है, तो यहां पर हम लोग पीएच मान निकालेंगे, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे पीएच वैल्यू, यानी कि इसके हमें पीएच वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर आपका ये फार्मूला होगा लॉग, और यहां पर ब्रैकेट में अगर हम OH माइनस करते तो यहां पर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू को रख देते 2 और इनटू आपका क्या है लॉग, सॉरी 10⁻², है 10⁻², है इस प्रकार से वैल्यू को रख देंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर जैसे ये फिर से इनटू में है तो आप पहले क्वेश्चन की तरह यहां पर जो है प्लस में इसको तोड़ेंगे और लॉग 2 की वैल्यू को रखेंगे और इसका फिर जो है मान रखेंगे, तो आपका यहां पर कुल मिलाकर जो आपका ये पीएच मान आएगा वह आपका आएगा 12.3, यहां पर पॉइंट में कुछ वैल्यू आएंगी 12.3 करके, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो मतलब यहां पर इसका भी पीएच आप निकालिए, अगर अगर जो है प्रकृति पूछे तो यहां पर आप समझ ही रहे कि प्रकृति कैसी होगी, यहां पर इसका भी क्षारीय प्रकृति का होगा, तो ऐसे में ये मतलब काफी आसान है। इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन है, ये भी देखिए काफी बार आ चुका है और प्रकाशिकी से क्वेश्चन है, तो प्रकाशिकी यूनिट से भी देखिए काफी ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, मतलब एक कोई उत्तल लेंस है जिसकी हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिसकी फोकस दूरी है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, फोकस दूरी आपका दिया गया है तो यहां पर हमें इसकी क्षमता निकालनी है, तो इसको आप करेंगे यहां पर f इक्वल टू f के वैल्यू कितनी है, तो ये 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर उत्तल लेंस है तो यहां पर धनात्मक होगा, मतलब यहां पर यही ध्यान देना होता है कि देखिए उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में और दर्पण में मतलब चिन्हों का विशेष ध्यान देना होगा, अगर चिन्ह में आप मिस्टेक करेंगे तो मतलब नंबर यार कट जाते हैं, तो ऐसे में f बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी, तो देखिए लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर यहां पर होता है 1/f, ठीक है 1/f। अब इसमें देखिए यहां पर ये सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई, तो अगर हम इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है सेंटीमीटर में, अगर मीटर में होता तो 1/f लिख देते, लेकिन अगर सेंटीमीटर तो आप क्या करेंगे यहां पर 100/f कर देंगे, मतलब कि f क्या, f की वैल्यू है तो यह 20 है तो हम यहां पर 20 रख देंगे, और इस प्रकार से आप लोग 0 से इस 0 कैंसिल कराइए और इससे आपका 5, मतलब यहां पर जो है जो पी का मान आ गया वह कितना है 5, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो यहां पर आप इसको डी से डिनोट कर, डी भी लिख सकते हैं या आप लोग डायोप्टर लिख सकते हैं, ठीक है डायोप्टर। तो मतलब हमारा जो उत्तल लेंस है इसकी जो फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता कितना आ गया, 5 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 क्वेश्चन आगे, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो इनमें जो है आपको ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो देखिए यहां पर चौथा क्वेश्चन है, यह अभी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, ठीक है कह रहा है कि जो वायु है, वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक वह कितना, यहां पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्रमशः कहा गया कि 4/3 एवं जल, यहां पर थोड़ा समझने की बात है, जो वायु है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, और इसी प्रकार वायु का जो है कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है, मतलब कि यहां पर 2 अपवर्तनांक दिए गए हैं। अब कह रहा है कि जल का जो है कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई उसको लिखेंगे, तो यहां पर आपका जो है दिया क्या गया है, तो चलिए इसको हल करते हैं, तो दिया गया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब कि वायु को हम एयर लिखेंगे और यहां पर आपका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, जल का, मतलब कि W यानी कि वाटर, ठीक है। तो मतलब कि वायु के सापेक्ष एयर यानी कि ए और जल का मतलब कि वाटर, तो ANW, ठीक है ये कितना दिया गया है, तो आपका 4/3 यानी कि पहले दिया गया, क्रमशः की बात करेंगे तो पहले आपका यही आता है। इसके बाद कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब यहां पर इसको फिर से क्या लेंगे, ए एन और कांच का मतलब जी यानी कि ग्लास, ठीक है, तो इसका कितना है 3/2 है। अब हमें निकालना क्या है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो यहां पर हमें चाहिए जल का कांच के सापेक्ष, तो मतलब कि जल को हम क्या लिखेंगे, W से डिनोट करेंगे, तो किसके सापेक्ष चाहिए, तो यहां पर कांच के सापेक्ष चाहिए, तो मतलब कि यहां पर हम लिखेंगे जी एन
W यानी कि जो आपका जल का, ठीक है, वाटर का किसके सापेक्ष, G यानी कि ग्लास यानी कि कांच के सापेक्ष। तो इसको आप क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे A N W और अपान यहां पर A N G, मतलब कि ये आपका फार्मूला बन गया। तो अब इसमें क्या करेंगे डायरेक्टली जो है वैल्यू दी गई, तो आप वैल्यू को रख दीजिए A N W मतलब कि 4/3 यानी कि वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो 4/3 है। और इसी प्रकार से पूरे बटे में कितना है A N G मतलब कि वायु का कांच के सापेक्ष, तो ये कितना 3/2 है। तो इसको क्या करेंगे 4/3 और यहां पर आपका ये जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है 2/3। तो ये आपका 4×2 यानी कि 8 और 3×3 यानी कि 9। तो ये हमारा जी एन डब्ल्यू जो आया ये कितना आ गया 8/9। अब इसका कोई मात्रक तो होता नहीं, तो यहां पर 8/9 ही वैल्यू आपकी हो जाएगी कि ये क्या निकल के आया जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। तो यार काफी सिंपल है, मतलब कि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा जो है भ्रमित कर देते हैं, तो इसमें विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन यहां पर है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए क्या कह रहा है, यह आपका इस प्रकार से कहा गया है इसमें कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण, यहां पर दर्पण की बात करी गई, तो ये ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी वह 10 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं काफी आसान से ट्रिक के साथ। तो यहां पर पहले वैल्यू को आपको पहचानना आना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी जो वैल्यू है वह दी गई है। तो पहले आपका फोकस दूरी क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यह आपका मान कितना है 10 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोग इस वैल्यू को निगेटिव मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है, तो 10 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया है, तो यहां पर है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई, यानी कि वस्तु की दूरी आपकी कितनी है 20 सेंटीमीटर और यह भी आपकी क्या होती है नेगेटिव होती है, तो मतलब कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है जो कि आपका भी होगा, ठीक है। तो भी हमें फाइंड करना निकालना है। अब इसमें आपका देखिए सीधे दर्पण सूत्र से लगा देंगे, तो दर्पण सूत्र लगा देंगे इसमें दर्पण सूत्र से, तो ये सूत्र आपका क्या होता है, देखिए ये आपका जो सूत्र होता है ये आपका होता है 1/f प्लस में होता है, तो 1/f और 1/u प्लस 1/v यानी कि पॉजिटिव है, तो आप किसी भी तरह से इसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे वैल्यू को रख देंगे, तो 1/f यानी कि जो फोकस दूरी है कितनी है 10 है, और इक्वल में आपका 1/u यानी कि 1/u यानी कि ये 20 है, ठीक है। और यहां पर प्लस 1/v, तो हमें 1/v चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि इसको अलग कर देंगे और इसको इधर ले आगे पक्षांतर करके, तो ये वैल्यू आपका कितना बनेगा 1/v इक्वल हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 और यहां पर आपका 1, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे और यहां पर ये आपका -2 हो जाएगा, तो मतलब 1/v इक्वल आपका कितना आएगा 1/20, क्योंकि एक में से माइनस तो जाएगा तो आपका माइनस का ही बचेगा, तो इस प्रकार से आ गया। बाकी यहां पर चाहिए क्या, तो हमें भी का मान चाहिए, अभी ये क्या है 1/v है, तो हम भी का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे, तो ये -20 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई -20 सेंटीमीटर आ गई। तो मतलब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब काफी सिंपल तरीके से जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस यहां पर थोड़ा सा विशेष ध्यान यह दीजिएगा आप लोग कि मतलब चिन्हों में थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो पाए, अगर आपने जो है चिन्हों पर कहीं भी मिस्टेक कर दिया तो समझ लीजिए वहां से आपका आंसर जो है बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो 5 क्वेश्चन हो गए, अब देखते हैं चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 को, तो 6वां क्वेश्चन है। आप यहां पर देखिए इस प्रकार से आपका विद्युत से है, यानी कि देखिए हमने बताया था कि आपको प्रकाशिकी से विद्युत से जितने भी मतलब न्यूमेरिकल हैं सभी को यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर अब चलिए बात करते हैं विद्युत से, तो विद्युत में आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से, कह रहा है कि एक चालक में, कोई चालक है, ठीक है चालक है, उसमें 1.6 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब कह रहा है कि प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहां पर काफी आसान से भाषा में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप लोग इसको लिखिए हल, यहां पर अब सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है वह हमें पता करनी पड़ेगी, तो चालक के में कितनी धारा दी गई, तो यानी कि आई का वैल्यू है यहां पर एम्पियर, इसका मात्रक यानी धारा दी गई है, तो आई है आपका 1.6, ठीक है एम्पियर ये आपकी धारा दी गई है। अब इसके बाद और क्या है आपका यहां पर दिया गया है, तो यहां पर आपका कितना 1 सेकंड में बात करिए यानी प्रति सेकंड है, ठीक है, तो मतलब 1 सेकंड है, तो टी आपका दिया गया मतलब कि टाइम कितना है 1 सेकंड है, ठीक है सेकंड में है। अब इसके बाद आपको पहले क्या चाहिए, अब आपको यहां पर आवेश निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए आपको क्यू बराबर एन ई जो कि क्वांटमीकरण सिद्धांत होता है उसको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको सबसे पहले अब यहां पर क्यू की जरूरत पड़ेगी यानी कि आपको आवेश निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहां पर एक
फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है आई बराबर क्या होता है, आई इक्वल आपका होता है क्यू अपान टी, मतलब कि दो वैल्यू हमारे पास दी है तीसरा हम निकाल लेंगे। तो यहां पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, आई इंटू टी। तो यहां पर क्यू इक्वल आप क्या कर सकते हैं, आई का वैल्यू आपका 1.6 है और इसके साथ में आपका टी का गुणा हो जाएगा यानी कि 1, तो आपका यह भी कितना आएगा क्यू बराबर 1.6 और आवेश तो मतलब कूलाम आ जाएगा। तो यह आपका निकल के आया आवेश। अब हमें क्या चाहिए, यहां पर जो है चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए आपका क्या होता है, क्यू बराबर एनई एक फार्मूला आपका होता है जो कि क्वांटमीकरण सिद्धांत के लिए। तो यह आपका क्या होता है, क्यू बराबर एन ई होता है। अब यहां पर एन ही क्या है आपका, एन हमें निकालना मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एन है यहां पर। तो एन को हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, तो एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई इसके बटे में आ जाएगा, तो यानी क्यू अपान ई हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर क्यू को हमें जो वैल्यू दी गई है 1.6 है और इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, आप सभी जानते हैं ये वैल्यू होती है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एन बराबर आप यहां पर लिखेंगे और 1.6 से 1.6 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 10 पावर -19 जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 19, ठीक है, यहां पर माइनस चिन्ह आपका हट जाएगा। तो ये आपका 10 के पावर यहां पर बन जाएगा 19 और ये आपका क्या है, इसका मात्रक नहीं होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब कि यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से वैल्यू निकल आया। अब चलिए यहां पर देखिए 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सातवां क्वेश्चन है, यह भी काफी ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 250 वोल्ट, ठीक है, और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यार काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है ये, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि 250 वोल्ट, तो यहां पर आपका विभवांतर दिया गया कितना 250 वोल्ट। पहले आपको यही देखना होता है कि क्या वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी गई है। तो 250 वोल्ट क्या है, विभवांतर दिया गया। इसके बाद क्या दिया गया यहां पर, तो यहां पर कह रहा है कि 5 एम्पियर फ्यूज वाले, मतलब कि कोई आपका जो तार है उसका पूरी धारा कितनी है, कुल धारा आपकी जो वायर है उसका 5 एम्पियर है, तो मतलब 5 एम्पियर की धारा है। इसके बाद आपका क्या है, तो यहां पर आपका जो है इतना दिया गया। अब यहां पर है 25 वाट के कितने बल्ब, यानी कि यहां पर आप शक्ति दी गई है, तो यानी आपका शक्ति का मात्रक वाट होता, तो ऐसे हमने पहचान लिया। तो ये कितना दिया गया है, 25 वाट है, ठीक है, 25 वाट। अब हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कितने बल्ब इससे जलाए जा सकते हैं। तो देखिए शक्ति का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर वी आई होता है। तो इस सूत्र से हम लोग यहां पर पहले जो है इससे निकालेंगे धारा, यानी एक बल्ब के लिए हमें कितनी धारा की जरूरत होगी, तो वह पहले निकालेंगे। तो यहां पर आप लोग करेंगे पी इक्वल होता है v into i होता है फार्मूला। अब देखिए यहां पर p का मान है, v का मान है, i हम यहां से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, i इक्वल कर देंगे आप लोग यहां पर p अपॉन v, मतलब कि इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपका p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है आपका 250 और v का मान कितना है, यहां पर आपका सॉरी p का वैल्यू आपका 25 है और भी कमान है 250, ठीक है, उल्टा हो गया। तो यहां पर आपका ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा और 0.1 क्या है आपका, ये आई है मतलब कि धारा है, एम्पियर है। तो इस प्रकार से आपका ये धारा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए यहां पर, तो हमें यहां पर चाहिए कि परिपथ में कुल कितने बल्ब जलाएंगे। तो बल्ब हमें निकालना है, बल्बों की संख्या। तो हम लिखेंगे कि माना परिपथ में यन बल्ब है, ठीक है, हम मान लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे एन गुड़े एक बल्ब में धारा, ठीक है, एक बल्ब में प्रवाहित धारा कितनी हमने निकाली, 0.1 एम्पियर। तो यहां पर लिखेंगे एक बल्ब की धारा, ठीक है, एक बल्ब की धारा। अब यहां पर इतना कर दिए, इसके बाद यहां पर लिख देंगे कि परिपथ की कुल धारा। तो परिपथ की कुल धारा आपकी 5 एम्पियर है, तो परिपथ की लिखेंगे कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, ठीक है, इतना कर देंगे। अब ये हमारा फार्मूला आ गया, मतलब कि एक बल्ब की धारा कितनी है उसको बल्ब के साथ कर दिए गुणा, और परिपथ की कुल धारा कितनी है उसको अलग कर दिए। तो एन गुणे यहां पर एक बल्ब की है आपकी 0.1 जो कि हमने अभी निकाला, और इक्वल में आपका कुल धारा कितनी है 5 एम्पियर है। तो यानी कि हमें संख्या यानी कि बल्बों की संख्या निकालनी है, तो एन बराबर कर देंगे 5 और ये आपका 0.1 इसके बटे में आ जाएगा। तो यहां पर आपका इसके सॉल्व करने पर 50 आएगा, तो मतलब कि 50 बल्ब जो है जला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर हम लोग बल्बों की संख्या निकाल ली, कितनी आई आपकी 50। तो मतलब कि यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग जो है इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 50, मतलब कि एक पॉइंट आपका बढ़ जाएगा 1-0। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। बाकी यहां से 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, यानी कि 8वां क्वेश्चन है। तो यह भी आपका काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 वाट, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 100 वाट और 200 वोल्ट के
एक बल्ब को 200 वोल्ट के वैद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, ठीक है। और कह रहा कि बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी कि क्या क्या यहां पर दिया गया है। तो आपका 100 वाट, वाट किसका मात्रक, शक्ति का, तो यानी कि आपका पी कितना दिया गया है 100 वाट, ठीक है। ये हमने मात्रक से आप लोग थोड़ा सा पहचाना करिए कि वैल्यू किसकी दी गई है, ठीक है। इसी से काफी आसान तरीके से हम लोग पहचान लेते हैं। अब ये आपका हो गया 100 वाट पी बराबर। अब इसके बाद आपका यहां पर विभवांतर कितना है, तो वी इक्वल आपका 200 वोल्ट दिया गया है, 200 वोल्ट। अब इसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट वैल्यू को, अगला आपका क्या दिया गया यहां पर, आपको यहां पर अब जो है धारा निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि अगर आप धारा को निकाल लेते हैं तो मतलब आपका जो काम है आगे का वह काफी आसान हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे जो कि मैं आपको कई बार अभी बता चुका हूं। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो मतलब यहां पर बल्ब का प्रतिरोध हमें निकालना है, तो ओम का नियम आपका जो होता है उसी में आपका प्रतिरोध निकल आता है और वहीं पर धारा रहती है, तो मतलब उसी फार्मूले में। तो हमें पहले यहां पर पहले धारा की गणना करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। तो मतलब यहां पर आप लोग करेंगे क्या, इसमें आपका पी बराबर वी आई से जो है आई को पहले अलग करेंगे, तो आई बराबर का जो है आपका वी इसके बटे में आ जाएगा, तो पी अपान वी हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब आई का मान हम निकाल सकते हैं, P का वैल्यू कितना है 100 है, तो 100 और बटे आपका V का वैल्यू 200, तो ये आपका कितना आएगा यहां पर, ये आपका जो इस प्रकार से देखिए घटकर, मतलब कि आप इसके दो जीरो निकालिए और ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि आपका 0.5 बचेगा ये। तो ये क्या है आपका, धारा है, तो एम्पियर में आएगा, एम्पियर, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है जो बल्ब का प्रतिरोध निकालना, मतलब कि बल्ब का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध R बराबर, मतलब प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध R बराबर ये होता है V अपान I, ये क्या है, ओम का नियम होता है, ओम के नियम से, ठीक है। तो R बराबर V अपान I। अब देखिए यहां पर V का वैल्यू कितना है आपका 200 वोल्ट के, कह रहा है कि वैद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो 200 वोल्ट यहां पर आपका जो है V का वैल्यू है। इसी प्रकार से I का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो आप लोग यहां पर लिखेंगे R इक्वल, ठीक है, V अपान I। अब इसमें क्या करेंगे, V का वैल्यू आप रख दीजिए, तो 200 यहां पर रखेंगे और बटे में I का वैल्यू 0.5। अब इसमें क्या करेंगे, आप लोग इसको जो है काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, तो यहां पर R बराबर कर देंगे। अब इसका अगर आप एक जीरो बढ़ाते हैं, मतलब यहां पर इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर आपका जीरो बढ़ जाएगा एक, ठीक है, और एक जीरो आपका, जैसे यहां पर देखिए हमने क्या किया, यहां पर 200 बटे यहां पर 0.5 किया। अब इसका अगर हम दशमलव हटा दे तो ऊपर का आपका 10 का गुणा हो जाएगा और ये आपका हट जाएगा, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा ऊपर का 2000 और बटे में आपका 5 बचेगा। अब देखिए इसमें आप लोग जब इसको काटेंगे तो आपका 400 आएगा, ठीक है, तो यहां पर 4×5=20 यानी कि 400 आएगा। और आर का है तो आर का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहां पर आपका जो है जो धारा और प्रतिरोध है वह दोनों निकल आए हैं, मतलब यहां पर आई का वैल्यू आपका निकला है, कितना निकला है यहां पर, तो हमारा आई का मान है पर 0.5 एम्पीयर। इसी प्रकार से प्रतिरोध यानी R आपका रेजिस्टेंस कितना आया है 400 ओम। तो मतलब यहां पर देखिए काफी आसान सी भाषा में आप लोग बिल्कुल आसानी से इन न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, और सभी न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर आने वाले हैं, यानी कि अब जो है आपको पूरे बुक से सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और हां वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आप साइंस की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको साइंस का जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहां पर आपको सारे के सारे चैप्टर बिल्कुल एकदम सीरियलाइज मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।